नाजरीन, साल 2024 में जो गंदम का रेट हुकूमत ने फिक्स किया था 97,500, लेकिन अभी तक किसानों से 97,500 रुपए में गंदम नहीं खरीदी गई। किसानों से 100 केजी का रेट जो है 6,000 रुपए में खरीदी गई। किसानों को फी मान का रेट जो है 4,000 रुपए बताया गया, 3,900 बताया गया, लेकिन जो सिंध वाले लोग हैं उन्होंने 3,600-700 रुपए में गंदम सेल की, क्योंकि वहां पर जो है गंदम जल्द जल्द पक जाती है। और हमारे पंजाब में गंदम जो है लेट काश्ता थी, तो साफ जर लेट पकना था, तो पंजाब में गंदम रुल रही है। इस वक्त पंजाब में जो रेट है गंदम का 2,800 रुपए, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए मान लगाया जा रहा है। किसान कहते हैं कि इस हमें तो है गंदम का जो बीज, गंदम की गहाई, गंदम की कटाई, गंदम के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। किसान इस साल रुल गए, सच्ची बात है। कुछ किसान कहते हैं कि इस साल जो हमने एक जो 10 लाख जो 10 लाख का हमने अंदाजा लगाया था कि हमारे 10 एकड़ होंगे, वो 5 लाख रुपए के भी नहीं हो रहे, क्योंकि लोग जो है इस साल किसानों से गंदम जो है वो खाने के लिए भी नहीं ले रहे, क्योंकि इस साल मुल्क में गंदम बहुत ज्यादा काश की गई थी। जो भी चीज हद से बढ़ जाना है वो जहर बन जाती है। अब हमारे पाकिस्तान में सच्ची बात है कि लोग जो है इस साल लोगों ने तिल्ली बहुत ज्यादा काश कर रखी है, लेकिन जो तिल्ली का फ्यूचर मुझे लग रहा है कि तिल्ली का भी रुलने के चांसेस ज्यादा मुझे लग रहे हैं, सच्ची बात है। क्योंकि तिल्ली जो है, अब पहले तो जब गंदम हमारी बहुत ही कम काश्त होती थी पाकिस्तान में, तो हम कहते थे कि कम से कम गंदम का रेट 10,000 रुपए तो हो गई सही, लेकिन वही गंदम हमने 6,000-5,500 रुपए में सेल की। अब जब तिल्ली का रेट जो है 40,000 रुपए बोरी 100 केजी का है, 40,000 रुपए, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि कम से कम 15,000-30,000 रुपए, 20,000 रुपए रेट होगा, लेकिन वही रेट जो है आपके सामने 15,000-10,000 रुपए में सेल होनी है तिल्ली ने। लेकिन जो है कपास, कपास का फ्यूचर मुझे ठीक लग रहा है, कपास जो है जबरदस्त है, क्योंकि इस साल कपास की जर्मिनेशन बहुत कम हुई है। कपास जिन लोगों ने काश की है वो जबरदस्त रह जाएंगे, और मूंग की जो फसल है वो भी जबरदस्त रह जाएंगे। तिली वाले मुझे रुलने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी जो गन्ने की फसल है लोगों ने वो भी इस साल बहुत ज्यादा काश की है, पिछले साल रेट ज्यादा होने की वजह से गन्ने की फसल भी रुलने के चांसेस ज्यादा हैं।